खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली के चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं, काउंटडाउन चल रहा है, तो क्या शाहीन बाग पर सियासी जंग होगी? अगर शाहीन बाग पर सियासी जंग है तो दिल्ली किसके संग है, अगर नहीं है तो किसके संग है? अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे जुड़ गए हैं। अनुज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अभी अनुज ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। जब तक वो जुड़े मैं अपने विश्लेषकों के पास चलती हूँ। राहुल, कांग्रेस की भूमिका बड़ी दिलचस्प है। जी, वो जुड़े नहीं, मतलब शो में ही नहीं, वो दिल्ली के चुनाव में भी नहीं जुड़े हैं। मेरा सवाल यही था कि भाई आप उन और अपने स्टार कैबिनेट की लिस्ट अब जारी कर रहे हो, आप दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हो बार बार, लेकिन कहीं कोई कांग्रेस का कैंपेन ही नहीं। कांग्रेस ने क्या पहले ही हथियार डाल दिए? देखिए, ये कांग्रेस की कमजोर स्थिति जो है वो शिवम त्यागी जी के लिए खराब है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी, दिल्ली के पूरे राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि कांग्रेस के मजबूती में ही भारतीय जनता पार्टी की सफलता छुपी हुई है। कांग्रेस अगर कमजोर हालत में है तो क्या तो इसका मतलब है कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली ऐसा कर रही है? नहीं, रणनीति है ये। देखिए, मुझे जवाब दीजिए ना, कभी कभी कांग्रेस के लिए भी बोल दिया कि कांग्रेस मैं सॉफ्ट कॉर्नर है आपका, लेकिन थोड़ा सा मैं शिवम जी बिल्कुल निष्पक्ष राय रखता हूं। मैं निष्पक्ष और बेवाक राय, ये मेरी राय होती है और मेरा विश्लेषण तय करने दीजिए ना, आप राय रखिए। हां, मैं राय ही रख रहा हूं। क्या ये रणनीति, मैं समझना चाहता नहीं। देखिए, मैं कभी एक चीज मैं इसमें कहूंगा, देखिए इस पूरे मामले में, देखिए मैं तो अब कांग्रेस की चुनावी चुप्पी रणनीतिक है? नहीं, रणनीतिक नहीं है। हमें लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हम काफी ज्यादा अभी रेस से बाहर ही हैं, तो कितना उछल कूद ऐसा थोड़ी होता है कि पहले आप। देखिए, देखिए मेरा तो दुख है, आपने मैंने इस कार्यक्रम में कई बार दुख प्रकट किया है पहले भी। सीधा सवाल, बीजेपी जिस तरह चुनावी चुप्पी रणनीतिक है, अब तक की चुनावी चुप्पी, आज भी राहुल गांधी जयपुर में रैली कर रहे थे। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि रणनीतिक है ये। अगर ये रणनीतिक है तब तो खैर मान लीजिए, तब तो अगर ये रणनीतिक है तब तो ये मास्टर स्ट्रोक है, तब तो फिर गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए उनका मास्टर स्ट्रोक है। शुक्र है कंबोडिया में रैली नहीं कर रहे हैं, बैंकॉक थाईलैंड में नहीं कर रहे, लेकिन इस बात पे भी कांग्रेस को खुशी होना चाहिए। क्या कांग्रेस इस प्रकार की रणनीति बनाएगी? ये शायद मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई राजनीतिक दल कोई ऐसा रणनीति बनाएगा कि अपने ही पैर पे वो कुल्हाड़ी मारे, वो राजनीति में बिना लड़े हथियार डाल दे। कांग्रेस पार्टी की जहां बात आती है, कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से फुर्सत मिले तब तो दूसरे चीजों पे ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी का सारा प्रेम, सारा इश्क, सारा चीज तो पाकिस्तान के साथ है, तो इतना ज्यादा व्यस्त है पाकिस्तान को लेके कि कांग्रेस इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। आपने कहा कि स्टार प्रचारकों का सूची कांग्रेस ने कुछ दिन पहले निकाला था, पर अभी भी स्टार कैंपेन हुआ नहीं है। आपने सही कहा, स्टार कैंपेन नहीं हुआ है शीतल जी, स्टार लेस कैंपेन है अभी कांग्रेस पार्टी का दिल्ली चुनाव के परिपक्ष में। स्टार कैंपेनिंग तो तब होगा जब नेशनल टॉडलर आके कुछ इधर उधर बयानबाजी करेंगे दिल्ली में, वो फिर कहीं ना कहीं पे सुर्खियां बनेंगी राष्ट्रीय लेवल पे और उस पर पूरा विश्लेषण होगा। स्टार कैंपेनिंग तब होगा जब अटली बटली अमूल बॉय कुछ ऐसे बयान देंगे जिसका कोई सर नहीं होगा, पैर नहीं होगा। तो ये चीज हर चुनाव में लोग अपेक्षा करते हैं कि कुछ स्टार एंटरटेनमेंट हो चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव के जो तीखी प्रतिक्रिया होती है और तीखी जो बहस होती है उस पर कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट की भी आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि झारखंड पे भी शानदार वे में इन्होंने एंटरटेन किया था, कर्नाटक का चुनाव में भी बहुत शानदार परिणाम भी मिला था आपको। उससे पहले महाराष्ट्र झारखंड के परिणाम आप भूल गए, आप लग रहा है झारखंड के चुनाव भूल गए। कहीं पे जब तक राष्ट्रीय बच्चा छलांग नहीं मारेगा दिल्ली के राष्ट्रीय दिल्ली के कैपिटल पे, तब तक तो कांग्रेस का कैंपेन धूमिली रहेगा। किस चीज का इंतजार है कांग्रेस? सबसे पहला चीज तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दत्ता साहब अभी कह रहे थे कि कांग्रेस को तो पाकिस्तान से प्रेम है, मैं इसका खंडन नहीं करता, सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा पाकिस्तान प्रेम अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी को बताइए। दिल्ली में नफरत है, दिल्ली में, अरे दिल्ली में तो आप जबरन पाकिस्तान को अंदर घुसाए चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग को भी आप प्रदर्शन यहाँ पे लोग कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी आप पाकिस्तान ले आए, उन लोगों से नफरत है।
पाकिस्तानी एजेंट दिल्ली के मूल मुद्दों को ना उठा के पहले का भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में देश से प्रवेश की। आपने कहा कि बाकी टुकड़े टुकड़े के लोगों को क्यों दत्ता साहब अभी तक कितनी देर से दिल्ली के चुनाव में पहनाया गया। सवाल तो ये भी बनता है बाकी तमाम जितने सारे भारतीय जनता पार्टी इतना लेट से चुनाव के लिए क्यों जा रही है, चाहे वो खाली हम लोग सारे लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं कन्हैया कुमार हो, ये तमाम जितने सारे पार्टी के टुकड़े गैंग के लोग हैं जिन पे एफआईआर दर्ज है, जबकि उसके पहले से जो चुनाव प्रचार में नजर भी नहीं आ रहे। जिस पार्टी को प्यार करते हैं ना, मैं किसी पार्टी को प्यार नहीं करता, उसी ने सुरक्षा कवच दे के रखा है और दिल्ली सरकार ने आज तक इजाजत नहीं दिया, इसीलिए कन्हैया कुमार पे पहल नहीं हो पाया, उमर खालिद पे पहल नहीं हो पाया। ये तमाम जितने सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के जितने सारे हैं उन लोगों पे इसीलिए पहल नहीं हो पाया। आरटीआई के जवान जो गिरफ्तार हुआ है बिहार के, हमें ये सवाल तक जवाब दीजिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों मानने से इनकार कर दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग को मानने से इनकार क्यों कर दिया? सरकार रुकावट नहीं डाल सकती थी, दिल्ली सरकार आप इस परिस्थिति में रुकावट नहीं डाल सकती थी, इसीलिए आज संभव हुआ है उसको अरेस्ट करने में बिहार में। अगर नॉर्मल सिचुएशन होता टुकड़े टुकड़े गैंग को गृह मंत्रालय क्यों नहीं मानी जाती है, हम उसके मारे तक क्यों नहीं बैठ जाती, उसमें दिल्ली सरकार क्या परेशानी कर रही है? अरे आप दिल्ली सरकार की कमियों को गिनाइए ना, वो तो आप करेंगे नहीं। ठीक है, ओके 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 शांत जाने है कि नहीं फायर में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शिवम, ये बात बार बार विपक्ष उठाता है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं क्रिटिक्स हैं वो ये उठाते हैं कि भाई बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ने जो काम नहीं किया या जो नहीं कर पाई उसे उठाने में बीजेपी नाकाम रही है, बीजेपी वो चीज़ें नहीं उठा पाई। देखिए सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी चुनाव में जाती है तो अपने कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव में जाते हैं। आपने देखा नहीं होगा कि कोई भी इस देश के होम मिनिस्टर किस तरह से एक्सटेंसिव कैंपेनिंग दिल्ली में हो रही है। हाँ। गलियों में भी जाकर 500 लोग 1000 लोग 200 लोग 50 लोग जितने भी लोग हैं सबको हम एड्रेस कर रहे हैं। एक चीज आप अगर अमित शाह जी की और नड्डा जी की रैलियों को देखेंगे उनमें भी पाएंगे कि अगर 20 मिनट का उनका स्पीच है तो उसमें से 15 मिनट जो केजरीवाल ने काम किया है, चाहे वो पानी की बात हो उस पर भी उन्होंने बजट की बात कही, मोहल्ला हो हल्ला क्लिनिक भी उन्होंने अपनी बात कही, इसके अलावा तमाम चीजों पर उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन इसके साथ साथ शाहीन बाग भी इसी प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और वहां पर जो चल रहा है जिस उसको आगे बढ़ाने में जिस तरह से दोनों पार्टियों ने काम किया है आगे प्रधानमंत्री के गिरफ्तार कर लो, यहाँ पर पुलिस अपना काम पुलिस के तरीके से करती है और सबको जो है सजा मिलती है। लेकिन इतना समझ लीजिए गिरफ्तार गिरफ्तार हुआ ना आगे भी लोग गिरफ्तार होंगे, चिंता मत कीजिए। केवल जो भी अगर शर्जिल इमाम से अच्छा राहुल लाल भी जुड़े हुए हैं तो वो भी गिरफ्तार होंगे, तय है। लेकिन आपको सबसे पहले पुलिस अपने तरीके से काम करेगी और जो भी देश में इस देश के खिलाफ बात करेगा कैसे आंदोलन जेल में जाना पड़ेगा, चली कैसे जेल में जाना चली कैसे रहा, मतलब कल तक तो ये कह रहे थे चलना चाहिए संवैधानिक है, आज कह रहे चली कैसे रहा। मैं अरे ऐसे ही चले गए सामने देखा नहीं आपने, तर्क को लेकर चल रहे आप बताइए ना, आप ही तो कहते थे चलना चाहिए, अगर उठा लिया होता तो आप कहते ये देखो लोगों की आवाज दबा दी, अब अगर चल रहा तो कह रहे चल कैसे रहा है। भाई आप बताइए ना आप किस साइड पे, मेरी बात मत करिए अपनी बात करिए, आप किस साइड पे अगर चल रहा चल संजय एक सवाल जो हम उठा रहे थे बार बार कांग्रेस को लेकर और कौतूहल है क्यूरियोसिटी है सबके मन में कि कांग्रेस दिल्ली में लड़ने की बात तो कर रही है, स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट भी लेके आती है, लेकिन कांग्रेस का कैंपेन नहीं दिख रहा, क्यों? आपने हथियार डाल दिए हैं या ये रणनीतिक है, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए नूरा कुश्ती हो रही है, इसमें दो तरह के झूठ बोलने वाले लोग, क्या
दो झूठ बोलने वाले लोग कैंपेन क्यों नहीं शुरू हुआ के अंदर, एक केंद्र के अंदर कैंपेन क्यों नहीं शुरू हुआ, सरकार है एक दिल्ली में सरकार है, कैंपेन क्यों नहीं शुरू हुआ, इन लोगों ने अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड किया है। और ये ना गुप्ता जी कैंपेन क्यों नहीं शुरू हुआ, अभी तो मैं शुरू भी नहीं, ऐसा तो नहीं अंदर अभी बताऊंगा आपके विषय पे के सारे कैंडिडेट, अरे आपका चेहरा दिखाऊंगा भाई साहब, एक मिनट तो जाइए, सारे कैंडिडेट आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है जवाब कहने दीजिए ना मुझे, चलो संजय को सुन, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग सेल्फ सेंटर्ड आपस में एक दूसरे को इसलिए कह रहे हैं जबकि सच्चाई है ना तो विकास केंद्र ने किया है, केजरीवाल ने किया है। संजय मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुझे मैं पहले भेज तो बताऊँ, सुनिए कांग्रेस का कैंपेन करना है, राहुल गांधी कहाँ, राजस्थान का रैली संबोधित कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे, थोड़ा सा तो आप रखिए धैर्य, बताइए ना, बताइए मैं बताता हूँ जो कैंपेन का विषय है। कांग्रेस ने कहा कि अगर जिस तरह से शीला जी ने काम किए थे, हम दिल्ली के अंदर सारा समुचित विकास करेंगे, साफ पानी देंगे, साफ आपने ये कहा, लेकिन आपका कैंपेन कहाँ है ऑन ग्राउंड, नहीं कैंपेन अब क्यों नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं हम, कैंपेन क्यों नहीं है, दिखता नहीं है शीतल जी कैंपेन, क्यों नहीं, मैंने भी देखा, मैं बताता हूं आप मुझे सुनिए ना, क्या कैंपेन शीतल जी, क्या कैंपेन, एक मित्र की तरह का कैंपेन होगा, जब इनके सांसद ये कहते हैं बांटा गया है, क्या ये लोग मुस्लिम लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, ये आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, क्या ये कैंपेन का तरीका है, क्या ये कैंपेन है, क्या ये कैंपेन है आपका, जब आप कहते हैं आपके सांसद कहते हैं दिल्ली के अंदर के मुसलमान लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, ये कैंपेन है, आपके गृह मंत्री क्या कहते हैं, सुनिए मेरी बात, अमानतुल्लाह ने कहा ये बातें, देश के अधिकारों को गोली मारो साले को, देश का नरेगा राज्य मंत्री कहता है, अरे देश को अमानतुल्लाह ने कहा था, क्या ये कैंपेन का तरीका है, एक चीज और बताइए, क्या ये सभ्य समाज है, क्या ये सभ्य समाज है, इमरान खान का लेटर लेकर पाकिस्तान के सीधा शाहीन बाग क्यों नहीं थे, देश का लीडर रहिए, साढ़े चार भैया सीधा सीधा बताइए, आप दीजिए जवाब, आप अडानी और अंबानी के दलाल लड़ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, एक रुपया का इतने पोर्टर्स की, अरे सरेंडर कर दीजिए ना, अडानी के लिए नहीं दी, एक काम करिए, कह दीजिए सुभाष चोपड़ा जी के मार्कर जो है, एक काम करें केजरीवाल को बाला रखना दे, सरेंडर कर दे, देश के सारे, अरे कह दीजिए ना, 10 जनपद को बेच रहे हैं, बताइए ना, ओके 10 जनपद का, चलो चलो चलो, ओके 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 ओके, राहुल गांधी ने चलो सरेंडर कर दिया, किसान सड़क पर है, राहुल सड़क पर है, सरेंडर कर दिया है, देखिए ना, चलो ये आपका कैंपेन का तरीका है, के चलो ओके, सांसद क्या करें, बस 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 डॉक्टर बता, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने आप समर्पण किया है क्योंकि आप इतना लाट से, आपको भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लगे, ऐसा तो इतिहास में हुआ नहीं, राहुल भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो इतिहास में हुआ ही नहीं, कितने बार चिंता, अरे भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं दिखेगी आपको, आप एक मुख्यमंत्री भारतीय सामने।